आज मैं बिना कलर इस्तेमाल किए सुंदर सा प्लांटर बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने ये मैगी का कप लिया है और ये फूड कंटेनर। इसके ऊपर का स्टिकर निकालने के बाद हमें मिलता है सुंदर डिजाइन बना हुआ पीले रंग का कप। ऑलरेडी पीले रंग का कप हमें जब मिल रहा है तो क्यों इसे हरा नीला कलर लगाए। मैं इस डिब्बे के त्रिकोण टुकड़े काट रही हूँ। आप चाहे तो चौकोन या और अलग शेप में इसे काट सकते हैं। इन त्रिकोण टुकड़ों को मैं इस तरह चिपका रही हूँ। आप इन त्रिकोण टुकड़ों को अपने मनपसंद डिजाइन में चिपका सकते हैं। ज्यादातर फूड कंटेनर सफेद या काले रंग के होते हैं। इस सफेद डिब्बे को मनचाहे आकार में काट के काले डिब्बे पर डिजाइन बनाते हैं। मेरे पास शीशे थे तो मैंने इस पर शीशे भी चिपका दिए। अब दोनों डिब्बों को चिपकाते हैं। लीजिए, हमारा जीरो बजट वाला प्लांटर तैयार है। हमारी दूसरी सजावट के लिए मैंने ये वेस्ट प्लास्टिक का डिब्बा लिया है। ये नायलॉन की रस्सी है और ये है काले रंग का फूड कंटेनर। इस सजावट के लिए भी हमें बस तीन चीजें चाहिए। इस डोरी को आप अपनी मनचाही डिजाइन में चिपका सकते हैं। हॉट ग्लू से ये आसानी से चिपक जाती है। इस सजावट के लिए भी हमें बस तीन चीजें चाहिए। ये टीन का डिब्बा है, नीले रंग की नायलॉन की डोरी और वेस्ट फूड कंटेनर। नीले रंग पर
पर सफेद डिजाइन सुंदर दिखेंगी, इसीलिए मैंने ये सफेद डिब्बा लिया है। इसे त्रिकोण आकार में काटते हैं। डिब्बे के बचे हुए भाग से मैं होल पंच की सहायता से इस तरह बिंदी कट कर रही हूँ। इस बिंदी को आप तरह तरह की डिजाइन में चिपका सकते हैं। नीले और सफेद रंग के कॉम्बिनेशन में बना हुआ ये प्लांटर बहुत सुंदर दिख रहा है। इन तीनों प्लांटर को आप अपने बालकनी गार्डन में भी रख सकते हैं। पानी लगने पर इसका रंग निकलने का टेंशन ही नहीं है। इस तरह आप अपने घर और बालकनी गार्डन के लिए ढेर सारे प्लांटर बना सकते हैं, वो भी बेहद कम खर्च में।